हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी हूँ मैं बदायूं में। तो अभी किसी वजह से मैं यहाँ पे आया था बदायूं में अचानक से ही। तो मैंने सुना था कि बदायूं में एक ताजमहल है जिसको ब्लैक ताजमहल के नाम से बोलते हैं, लेकिन जब मैंने उसके बारे में पड़ताल की, इन्वेस्टिगेशन की, तो पता चला कि ये है इखलास खान का मकबरा। तो ये मकबरा है, काफ़ी पुराना है और बहुत ही इसकी मोटी मोटी दीवारें हैं, और मैं भी आपको दिखाता हूँ इसके कुछ शॉट्स। तो चलिए, सिनेमेटिक शॉट्स में दिखाता हूँ मैं आपको इखलास खान का मकबरा। ये ऊपर जाने का रास्ता, जो कि कटीले तारों और इसके अंदर लॉक लगा रखा है, जो कि बंद है। तो इस तरह की ये चार मीनारे हैं इसके चारों तरफ, और इसके अंदर चार कब्रें हैं, और एक ये है। तो ये भी बंद कर रखा है कटीले तारों से, और अंदर से लॉक लगा रखा है। इसके अंदर जीना है इसके ऊपर जाने के लिए, और बाकी ये ख़तरनाक सा गेट है। चारों तरफ इसके इस तरह सा गेट बना हुआ है, जो कि बहुत ही मजबूत है। तो गाइस, काफ़ी अच्छा और बढ़िया मॉन्यूमेंट है बदायूं के अंदर। अगर आप किसी मॉन्यूमेंट को देखना चाहते हैं, बदायूं के अंदर आए हुए हैं, तो आप इस मॉन्यूमेंट को ज़रूर देखिए। तो चलिए, अब मैं आपको इसकी और कुछ क्लिप दिखाता हूँ। इसका जो स्ट्रक्चर है और इसका जो बिल्डिंग बनी हुई है, वो बिल्कुल इसी तरह से बनी है जिस तरह से ताजमहल बना हुआ है। और ये पूरा ताजमहल का इस तरह से चबूतरा है, और चार तरफ से मीनारे हैं जो कि ताजमहल में हैं, और बाकी बीच में जिस तरह से शाहजहां की कब्र है, इसी तरह से इखलास खान की कब्र है बीच में। यहाँ भी यहाँ पर चार कब्रें हैं, और बाकी चार तरफ से ये इसी तरह से बना हुआ है। तो काफ़ी बढ़िया और अच्छा मॉन्यूमेंट है बदायूं के अंदर। अगर आप बदायूं में आए हुए हैं रिलेशन में, या आप बदायूं में रहते हैं, अगर आपको नहीं मालूम है कि आपके बदायूं में मॉन्यूमेंट छुपा हुआ है, तो आप इस जगह को ज़रूर एक्सप्लोर करिए, यहाँ पर ज़रूर घूमने के लिए आइए। और देखिएगा, इसकी दीवार देखिए यहाँ से शुरू होती है, और ये यहाँ पर ख़त्म होती है। तो इस तरह की ये मजबूत दीवारों पर ये पूरा गुंबद जो बना हुआ है, ये पूरा टिका हुआ है, और काफ़ी मजबूत है, बहुत ही हैवी, और मतलब बहुत ही मजबूती के साथ में ये बना हुआ है। देखिए, यहाँ पर भी इतनी मोटी दीवार हैं, और पिलर देखिए इसके कितने कितने मोटे हैं, और ये पूरा बहुत ही मज़बूत मॉन्यूमेंट यहाँ बदायूं में ये खड़ा हुआ है। तो चलिए गाइस, आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके जाना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए, अब मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी एक नए व्लॉग में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।